रांची के प्रोजेक्ट भवन में बिजली क्राइसिस और भुगतान को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें ऊर्जा निगम और ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने बकाया चुकाने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की जरूरत बताई। बैठक में फैसला हुआ कि सरकार 1 दिसंबर की कैबिनेट में इस संबंध में कोई निर्णय ले सकती है। ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के वर्मा ने इस संबंध में बातचीत की हमारे सहयोगी शहनवाज में। जो बिजली की समस्या है, जो पावर क्राइसिस है, जिससे इंडस्ट्रीज बहुत प्रभावित हो रही हैं, लेबर की एम्प्लॉयमेंट जा रही है, झारखंड में एक तरह से कहें तो उन क्षेत्रों में जहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, त्राहिमाम किसी स्थिति है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, जेसिया हो, इंडस्ट्रीज की जो चलाने वालों की एसोसिएशन है, लगातार मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। बिजली की जो क्राइसिस की जो बातें आ रही हैं, उसकी उसको रिजॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? अगर कल ये समस्या हल हो जाती है तो हमको उम्मीद है कि 5 से 7 दिन के अंदर। समस्या है क्या एक्चुअली? नहीं, तक समस्या जो भी है, आज के डेट में बना हुआ कानून है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा कानून बनाया गया है, उसके आधार पर जो पॉस्को हमारी संस्था है जो राशनिंग का काम करती है, उसने रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया हुआ है, और वो रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लागू है, अन्य राज्यों पर भी लागू है, हमारे ऊपर भी लागू है। कितनी चल रही है? पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि हर राज्य आज के दिन में, हम आपसे बात कर रहे हैं, हर जगह 6 से 8 घंटे, 5 से 7 घंटे की कटौती चल रही है, चाहे हम हो, चाहे हमारे बगल के राज्य हो, चाहे और भी कहीं राज्य हो, आप सब जगह का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। लेकिन तब है कि अब आने वाले दिन में ये समझना है कि हम इफिशियंट सिस्टम से बिजली ले, इफिशियंट सिस्टम से उपभोक्ता को दे, और हमारे माननीय उपभोक्ता समय से बिजली बिल जमा करे, तभी कुछ तभी हम बिजली बिल का भुगतान समय से करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आप वैकल्पिक क्या ऊर्जा का कोई स्रोत भी इस्तेमाल करेंगे? अभी सिर्फ और सिर्फ हमें, हमारा ध्यान एक है कि जल्दी से जल्दी हम जो हमारे पैसे बजट में स्वीकृत है हमें उपलब्ध हो जाए, और उनका उपयोग करके हम बिजली बिल अदा कर सके। और अभी आपने सुना कि JVVL के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है, और उम्मीद की जा रही है कि कल की कैबिनेट में कुछ ऐसा निर्णय होगा जिसके बाद जो ये पेमेंट का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, और जब पेमेंट के इशू को रिजॉल्व किया जाएगा तो धीरे धीरे पावर भी रिस्टोर हो जाएगा। कैमरामैन रिंकू के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।